और इसी बीच बड़ी खबर भिवानी से, जहां पर भारत केसरी दंगल का समापन समारोह आज होगा। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर, भारत केसरी दंगल में शामिल होंगे। और साथ ही यहां पर सीएम के साथ शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की इमारत का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। तो आपको बता दें कि भारत केसरी दंगल 2018 जिसको शहीदी दिवस के मौके पर ही जिसका आयोजन किया गया था, 3 दिवसीय ये दंगल था और आज इस दंगल का समापन होगा। शहीदी दिवस के मौके पर आज इस भारत केसरी दंगल 2018 का समापन होगा और इसके समापन के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे। और साथ ही आज जो भी विजेता होगा भारत केसरी दंगल का उसे 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि भी इस दौरान दी जाएगी। तो भिवानी से ये बड़ी खबर, भारत केसरी दंगल का समापन कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे सुमित कुमार, हमारे संवाददाता भिवानी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, आज भारत केसरी दंगल का समापन समारोह है, आज किस तरह से क्या क्या कार्यक्रम आज रहने वाले हैं इस दंगल में? देखिए, फाइनल मुकाबले आज आयोजित किए जाएंगे, साथ ही साथ अगर बात की जाए सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए रामविलास शर्मा जो कि शिक्षा मंत्री है, वो भी इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। महामुकाबला क्योंकि 1 करोड़ का करोड़ी दंगल है, इस दंगल में तमाम जो 8 टीमें शिरकत कर रही है उन टीमों के भविष्य का फैसला होगा आज, और देखा जाएगा किस तरह से कौन 1 करोड़ का दंगल जो है वो इनामी दंगल जीत कर जाता है। जी, किस किस के बीच में जी आज फाइनल मुकाबला आ चुकी होगा सुबह, तो किस किस के बीच में कौन कौन सी टीमें हैं जिनके बीच में आज मुकाबला होने वाला है? देखिए, 8 टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं, तो अभी तय नहीं किया गया कि किस खिलाड़ी का मुकाबला किसके साथ होगा, लेकिन सबसे ऊपर अगर बात की जाए रेलवे और यूपी के खिलाड़ी फिलहाल जो है वो इस दौड़ में दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ हरियाणा के खिलाड़ियों को भी कम नहीं आंका जा रहा है। इन टीमों को काफी अहम माना जा रहा है, चाहे रेलवे की बात की जाए, चाहे बात की जाए हरियाणा की, चाहे साथ ही साथ बात की जाए यूपी के खिलाड़ियों। जी सुमित, इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम आज क्या रहने वाले हैं इस दंगल के समापन समारोह के मौके पर? देखिए, सुखविंदर जो है वो अपनी प्रस्तुतियां देंगे आज, क्योंकि कल केडी का कार्यक्रम था, उसके पहले गजेंद्र फोगाट और युवराज हंस ने अपनी प्रस्तुतियां दी थी, समापन मौके पर सुखविंदर अपनी प्रस्तुतियां देंगे। जी सुमित, इसके अलावा चूंकि मुख्यमंत्री आज पहुंचेंगे इस समापन समारोह के मौके पर, तो कितने बजे के करीब मुख्यमंत्री का पहुंचने का कार्यक्रम है? देखिए, 6 बजे का कार्यक्रम तय किया गया है, उससे पहले मुख्यमंत्री भिवानी जिले के गांव रोणाक में एक कार्यक्रम में शरीक होंगे, शहीदों का एक गांव है, शहीदी दिवस पर वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सबसे पहले 4 बजे वहां जाएंगे, उसके बाद 6 बजे जो भिवानी के वीर खेल परिसर में दंगल आयोजित किया जा रहा है उस दंगल में वो पहुंचेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी के लिए। तो भारत केसरी दंगल 2018 का समापन आज होगा और साथ ही शहीदी दिवस के मौके पर ही इसी को देखते हुए इस दंगल का आयोजन किया गया था, और आज शहीदी दिवस है तो ऐसे में आज इस दंगल का समापन होगा। साथ ही जीतने वाले को 1 करोड़ का इनाम जो है इस दंगल में रखा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि चूंकि भारत केसरी दंगल 2018 का समापन का मौका है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसमें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इसके उद्घाटन के लिए राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी पहुंचे थे और साथ ही खेल मंत्री अनिल विज भी पहुंचे थे, लेकिन आज समापन के मौके पर सीएम मनोहर लाल खट्टर यहां पर मौजूद रहेंगे और उनके साथ में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी नजर आएंगे।